जनता का लड़ाई हमारा मुख्यमंत्री फसलुद्दीन पहले लड़ा जीता है। अगर मुख्यमंत्री को 50 दिन एक बंगला लेने में संघर्ष करने में भी लगा है, लेकिन इसका भी जीत चाहे देर से चाहिए हमको हुआ है। इसलिए हमारा मुख्यमंत्री जी बिलाई दूर में रहता था, अपना घर से 50 दिन चलाया, लेकिन सरगुजा के बस्तर के लोग यहाँ पहुँच नहीं पाते थे, वहाँ देख नहीं पाते थे। अभी सीएम हाउस रायपुर के राजधानी में है, सब लोग जानते हैं, किसान से लेके मजदूर कर्मचारी आम आदमी। 18 तारीख से कल से हमारा मुख्यमंत्री सीएम हाउस से जनता का सेवा करेगा। ये बजट सत्र अभी होने वाला है, बजट सत्र होने वाला है, किस तरीके का बजट रहने वाला है, कैसे रही बजट छत्तीसगढ़ी में अगर बोल पाएंगे? हमारा चैनल छत्तीसगढ़ी का है। हम छत्तीसगढ़ का नहीं है, हम हिंदुस्तान के हैं, इसलिए मैं हिंदी में बोलूँगा, क्योंकि हमारा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री शपथ लेने के बाद 3 घंटा में हमारे कर्जा माफी का दस्तखत किया है। छत्तीसगढ़ का किसान, छत्तीसगढ़ का मजदूर बजट से ज़्यादा खुश, कर्जा माफी 2500 रुपया देने और हमारे लोंडीगुड़ा का आदिवासी का जमीन वापस करने में बहुत खुश है। बजट तो जनता के बीच में पहले ही आ चुका है और अभी बजट में भी हमारा सरकार का, हमारे मुख्यमंत्री का, माननीय अदानी भूपेश बघेल साहब का बजट जनता का हित में होगा, आम आदमी के हित में होगा, छत्तीसगढ़ का विकास के लिए होगा। ये आपका जो विभाग है उसमें लगातार ये बातें की जा रही है कि जो घोषणा पत्र में आप लोगों ने कहा है संपूर्ण पूरी तरीके से शराब बंद, ये संभव होगा क्या कि धीरे धीरे आप लोग करेंगे इसका अध्ययन? हम इसका घोषणा पत्र 5 साल का होता है, जो आदमी पूछने वाला 15 साल में कुछ नहीं कर पाया और हम लोग नवा 1.5 महीना हुआ है, इसलिए इसको हम लोग नोटबंदी का तरह पर नहीं है, रात को 12 बजे नहीं करेंगे। आम आदमी के साथ, आम लोगों के साथ, पत्रकार, व्यापारी, बुद्धिजीवी और सामाजिक और ग्राम पंचायत हर प्रकार से लोगों से पूछ कर, जल्दीबाजी का काम शैतान का होता है, धीरे कस्बा धीरे धीरे बकता है वो कभी तकता नहीं। इसी प्रकार हमारा कांग्रेस पार्टी ने जो भी काम करेगा, शराबबंदी का भी काम करेगा, तो किस प्रकार करना है, 5 5 सूची लगाए बस्तर सरगुजा में, उधर कैसा निर्णय लेना है, सामान्य एरिया में कैसा निर्णय लेना है, ये सोच समाज के सब लोगों का राय से, सब लोगों का दिमाग से ये काम होगा, लेकिन 6 महीने के बाद आप लोगों को पूरी तरह से बताएंगे, अभी बोलना जल्दीबाजी होगा।